हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज की क्लास में हम एंटमोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द क्लास, जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। आप अड्डा की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं टाइपिंग ADDA247। इस ऐप में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आप इसमें क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो जो आपके बैचेस वेबसाइट पर दिखते हैं जिनमें आप एनरोल करते हैं, उनके प्राइस आपको एप्लीकेशन पर कम नज़र आते हैं, तो आप उसके लिए जस्ट वन एडिशनल बेनिफिट फॉर हैविंग योर एप्लीकेशन, राइट। So guys, let's dive into the class and this is information for your batches. You very well know IBPS SO ka exam aapka pass aata ja raha hai. Syllabus iska kafi vast hota hai. So guys, I would suggest pehle se prepare karna shuru kijiye so that last minute mein hazzle buzzle na ho ki ab main kya padhun, kis kis subject ko time do, wo cheez na ho hamare saath. आप चाहें तो IBPS AFO के बैच में एनरोल कर सकते हैं। दो टाइप के आपके बैचेस हैं, एक बैच में आपके प्री और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा, वहीं दूसरा बैच है जिसमें केवल मेंस का कवर किया जाएगा। यहाँ जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये केवल आपके मेंस का बैच है। अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको प्री और मेंस का भी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन एनरोल। दूसरी तरफ मेरे महापैक है। महापैक एक सब्सक्रिप्शन जैसा है, जैसे आप डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको पूरी क्लासेस दिखाई देती है, सारी क्लासेस दिखाई देती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, IBPS SO भी देना है, नाबार्ड भी देना है, FCI भी देना है, सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स देने। तो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए एग्रीकल्चर महापैक इज द वन स्टॉप, क्योंकि इसमें आपको सारे ही एग्जाम्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, ई टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स भी मिलता है। सो इट इज़ द वन टाइम लाइक इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द क्लास। बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम यू ऑल। विवेक, अफजल एंड स्क्रिम्स लाइव एंड आदर्श, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है एंड होपफुली आज आप लोगों को क्विज पसंद आएगी, एंड क्योंकि आज जो है आंसर्स छुपे हुए हैं तो बार बार सेम गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, राइट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मेलेपिडस फॉल अंडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ अर्थ्रोपोड्स। मेलेपिडस आपका किस क्लास के अंडर आता है? अर्थ्रोपोड्स में। देखिए, अर्थ्रोपोड्स इज योर फाइलम, आपके फाइलम का नाम है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जो आपके सारे इंसेक्ट हैं ये क्लास इंसेक्टा या हेक्सोपोडा क्लास के अंदर आते हैं। वैसे ही आपके मेलेपिडस किसके अंदर आते हैं? इंसेक्टा के अंदर आते हैं, मायरापोडा के अंदर आते हैं, क्रस्टेशिया के अंडर आते हैं या अराकेनिडा के अंडर आते हैं। मेलेपिडस इनमें से किसके अंडर आते हैं? विच क्लास? इंसेक्टा। गुड मॉर्निंग पुष्पा। नो, इंसेक्टा इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आपका मायरियापोडा। मायरियापोडा, ठीक है। तो मेलेपिडस यानी कि ये आपके इंसेक्ट हैं, इनमें बहुत सारे पैर होते हैं। मेली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। पेडिस का मतलब है लेग्स या पैर, ठीक है। तो इनमें बहुत सारी लेग्स प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लास इंसेक्टा में तो हमने पढ़ा था कि केवल 6 ही लेग्स होती हैं, इसीलिए इसको हेक्सापोडा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा। गुड मॉर्निंग अमित एंड विठल, आदर्श। चलिए, दामिनी, गुड मॉर्निंग। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, मेलेपिडिस किससे बिलोंग करता है? मायरियापोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एनामोर्फोसिस इज एनकाउंटर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एनामोर्फोसिस किस इंसेक्ट ऑर्डर में मिलता है? प्रोट्यूरा में मिलता है, डिक्टियोप्टरा में मिलता है, एफिमेरेप्टरा में मिलता है या कोलियोप्टरा में मिलता है?
कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन गया अभी तक। एनामोर्फोसिस किस क्लास में, किस इंसेक्ट ऑर्डर में होता है? मोर्फोसिस सभी समझते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो आपकी इंसेक्ट में होती है इसको एनामोर्फोसिस मोर्फोसिस कहा जाता है, राइट? तो ये किस इंसेक्ट ऑर्डर में होती है एनामोर्फोसिस? सी, चलिए आंसर क्या है इसका? ए है, प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा आंसर विल बी प्रोट्यूरा बच्चे। एनामोर्फोसिस का मतलब है कि आपकी जो मोर्फोसिस है वो प्रॉपरली लाइक जो इसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली उस ऑर्डर में नहीं होती है। उस प्रॉपरली अगर ऑर्डर फॉलो होता है तो उसको हम मेटामोर्फोसिस कहते हैं, ठीक है? मेटामोर्फोसिस कहते हैं या मोर्फोसिस कह देते हैं सिंपली तरीके से। एनामोर्फोसिस प्रोट्यूरा में होती है, यानी कि इसमें कोई और डेवलपमेंट नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कैटरपिलर है, कैटरपिलर जब कोकून में जाता है या प्यूपल स्टेट में जाता है, एडल्ट बन के बाहर निकलता है, उसके पास विंग्स होते हैं, उसके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसके पास एंटीना होता है। तो ये सब क्या है? आपका मेटामॉर्फोसिस के अंडर आएगा, ठीक है? किसके अंदर आएगा? मेटामॉर्फोसिस के अंदर आएगा। लेकिन जो एनामॉर्फोसिस है इसमें ऐसी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें विंग्स डेवलप नहीं हो रहे, एंटीना डेवलप नहीं हो रहा, एडल्ट और प्यूपा में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल आपकी एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं वो ऐड हो रही है, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। जहां पर एब्डोमिनल सेगमेंट मान लीजिए 5 थी तो वो 6 हो रही है। तो केवल जब एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऐड होती हैं तो इसको एनामोर्फोसिस कहा जाता है। प्रोट्यूरा विल बी योर आंसर, ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट ऑर्डर इन विच निम्स आर कॉल्ड नेड्स। किस इंसेक्ट ऑर्डर में निम्स को नेड्स कहा जाता है? यानी कि जो इसके इमेच्योर स्टेजेस है या हम कहें इसके बेबीज हैं, इस ऑर्डर में जो बेबीज होते हैं उनको आप नेड्स कहते हैं। थाइसिनोयोरा में कहते हैं, ओडोन्टा में कहते हैं, डिप्ट्रा में कहते हैं या हिम्नोप्ट्रा में कहते हैं? इमेच्योर स्टेजेस को नेड्स के नाम से जानते हैं, बताइए। थाइसिनोयोरा, ओडोन्टा, डिप्ट्रा, हिम्नोप्ट्रा, क्या होगा आंसर? ओडोन्टा। यस, ओडोन्टा ऑर्डर। ओडोन्टा ऑर्डर में जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं उनको नेड्स कहा जाता है। कौन कौन आते हैं आपके ओडोन्टा ऑर्डर में? टेम्सन फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई। टेम्सन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई आपके ओडोन्टा ऑर्डर में आती है। इनकी जो इमेच्योर स्टेज होती है या इनके जो बेबीज होते हैं इनको आप किसके नाम से जानते हैं? नेड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए, द फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल विंग वेन इज। विंग्स की में वेन्स होती हैं, आप लोगों ने देखी होगी, जैसे लीफ में वेन्स होती हैं उसी तरीके से विंग्स में भी आपको वेन्स दिखाई देती है। जो पहली लॉन्गिट्यूडनल विंग्स हैं यानी कि लंबाई में जो ज्यादा होती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, पहली लॉन्गिट्यूडनल वेन्स कौन सी होती हैं? एनल वेन्स होती है, मीडियन वेन्स होती हैं, कोस्टल वेन्स होती हैं या रेडियल वेन्स होती है? फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेन्स इन योर विंग्स, नॉट योर विंग्स, इंसेक्ट के विंग्स, बताइए फटाफट से। इंसेक्ट्स के विंग्स में एनल वेन्स, मीडियन वेन, कोस्टल वेन और रेडियल वेन, पहली लॉन्गिट्यूडनल वेन कौन सी है? नहीं भाई, एनल वेन नहीं आएगी, कोस्टल वेन आएगी। क्या आएगी? कोस्टल वेन, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को विंग का स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके से ट्रायंगुलर विंग होते हैं आपके इंसेक्ट के, इसको कोस्टल मार्जिन कहा जाता है, इसको एनल मार्जिन कहा जाता है, ठीक है? तो पहली जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेन है वो इस तरफ से आती है, ठीक है? इस तरफ से आती है फर्स्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल वेन कहते हैं। दिस इज योर कोस्टल वेन, ठीक है? तो इसमें ये जो जितनी लंबी लंबी आएंगी ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेन्स होती है। फिर इनको कनेक्ट किया जाता है, इनको ट्रांसवर्स वेन्स या क्रॉस वेन्स कहते हैं, ठीक है? तो पहली लॉन्गिट्यूडनल वेन का नाम है कोस्टल वेन, ठीक है? चलिए,
द प्रोनोटम इज आइडियली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस इंसेक्ट में आप प्रोनोटम देख सकते हैं? मोथ में देख सकते हैं, आंट्स में देख सकते हैं, टर्माइट्स में देख सकते हैं या कॉकरोच में देख सकते हैं? इन विच इंसेक्ट आप प्रोनोटम देख सकते हैं, मोथ, आंट, टर्माइट्स या कॉकरोच? प्रोनोटम इनमें से किस इंसेक्ट में दिखाई देता है, बताइए फटाफट से। प्रोनोटम इनमें से किस इंसेक्ट में दिखाई देता है? मोथ, आंट, टर्माइट्स और कॉकरोच? आंसर क्या होगा? कॉकरोच। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रोनोटम आपके कॉकरोचेस में दिखाई देता है। प्रोनोटम क्या है? हार्ड स्क्लेराइट है, इट इज अ हार्ड स्क्लेराइट, ठीक है, विच कवर्स थोरैक्स। थोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, हार्ड स्क्लेराइट लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये कॉकरोच के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चे, सी विल बी द आंसर, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये आपके कॉकरोच के एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज किया जाता है, तो बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टाइलेट्स आर प्रेजेंट इन द माउथ पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, किसके माउथ पार्ट्स में आपको जो है स्टाइलेट्स दिखाई देते हैं? प्लांट बग्स के माउथ पार्ट्स में स्टाइलेट्स होते हैं, कॉकरोच के माउथ पार्ट्स में स्टाइलेट्स होते हैं, कॉटन विविल के माउथ पार्ट में स्टाइलेट्स होते हैं, या फिर राइनोसोरस बिटल में होते हैं, ठीक है। विविल्स में, बिटल्स में, कॉकरोच में या प्लांट बग में, इनमें से किस में स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं इन द माउथ पार्ट्स? ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट से। स्टाइलेट्स क्या है? स्टाइलेट्स आपके लॉन्ग जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बीक भी कह सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जो जनरली पंचर करने में काम आते हैं। टिश्यू के अंदर जब पंचर करना होता है तब ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? प्लांट बग्स। प्लांट बग्स में स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट बग्स जो है आपके सैप सकिंग जो है इंसेक्ट है, तो सैप सक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टिश्यू को पंचर करना पड़ेगा, फिर उससे सैप सकिंग होगी, है ना। तो ये काम प्लांट बग्स करते हैं, तो प्लांट बग्स के माउथ पार्ट में आपको स्टाइलेट्स मिलते हैं। वहीं आपका कॉकरोच, विविल और ये बिटल्स जो है, ये इनके च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, ये खाते हैं, सेल सैप सक नहीं करते हैं, ठीक है। तो खाने के लिए इन्हें टीथ की जरूरत है, स्टाइलेट्स की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिंग इन वर्कर बी इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, वर्कर बी जो हमें काटती है, इट लीव द स्टिंग इन द, आपके स्किन में स्टिंग अंदर ही छोड़ देती है। ये स्टिंग कौन सा पार्ट होता है? एंटीना का पार्ट होता है, एनल सरसाई का पार्ट होता है, ओविपोजिटर का पार्ट होता है या स्टाइली का पार्ट होता है? ये स्टिंग किसका पार्ट होता है? एंटीना, ओविपोजिटर, स्टाइली और सरसाई, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए फटाफट से। यस, ये तो सभी को पता होगा, राइट। तो आपकी जो स्टिंग बी है, जो आपको स्टिंग करती है, उसके ओविपोजिटर की मॉडिफिकेशन होती है ये स्टिंग, जो आपकी बॉडी में रह जाता है। अच्छा, जनरली ये माना गया कि अगर आपको एक मधुमक्खी काटती है तो फिर बहुत सारी मधुमक्खी काटती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ये स्टिंग, क्योंकि ये स्टिंग आपकी बॉडी में रह जाता है एंड इट रिलीजेस सम ऑफ द लाइक फेरोमोन्स, जिसकी वजह से और बीज अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो और बीज को पता चल जाता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, ये एक जीपीएस सिस्टम जैसा काम करता है, और वो भी आपको काटने दौड़ी दौड़ी चली आती है। अरे कोई इंसान कटवा रहे, हम भी काट के आएंगे। तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्टिंग। तो स्टिंग को आपको रिमूव करना होता है, यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम योर स्किन सो दैट दूसरी मधुमक्खियां आप पर अटैक ना करें, ठीक है। चलिए, सो इसका आंसर क्या है? बी, ओविपोजिटर।
नेक्स्ट इज सुप्रा एसियोफेजियल गैंग्लियन इज ऑल्सो कॉल्ड. सुप्रिया एसियोफेजियल गैंग्लियन को और आप किस नाम से जानते हैं? ब्रेन के नाम से जानते हैं इंसेक्ट्स में, एब्डोमिनल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं, थोरेसिक गैंग्लिया के नाम से जानते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. सुप्रा एसियोफेजियल गैंग्लियन. सुप्रा एसियोफेजियल गैंग्लियन का दूसरा नाम क्या है? बी एब्डोमिनल गैंग्लियन. सी थोरैसिक गैंग्लियन. आंसर इज ब्रेन. सुप्रा एसियोफेजियल गैंग्लियन को ब्रेन भी कहा जाता है. तो आंसर क्या है? ए आपका आंसर है. चलिए, कॉर्पारा कार्डिया का सिक्रेट्स व्हाट? कॉर्पारा कार्डिया का आपका एक ग्लैंड है. ये ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है, फेरोमोन सिक्रेट करता है, एफिमेरॉन सिक्रेट करता है, या साइनोमोन सिक्रेट करता है? इट इज अ ग्लैंड, लेकिन इस ग्लैंड से निकलता क्या है, सिक्रेट क्या होता है? हार्मोन सिक्रेट होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं, एफिमेरॉन्स होते हैं, या साइनोमोन होते हैं? कॉर्पारा कार्डिया का क्या सिक्रेट करता है ये ग्लैंड? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी ए, हॉर्मोन्स. ठीक है, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पारा कार्डिया का. यस, हार्मोन इज द राइट आंसर. ठीक है, तो हार्मोन आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चे. ए आपका आंसर होगा हार्मोन. फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट. इनमें से कौन सा सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट का एग्जाम्पल है? ब्लिस्टर बिटल है, हेड लाउस है, कुलम्बोला है, या फिर सिल्वर फिश है? इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट है? सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट वो इंसेक्ट होते हैं जिनके फादर्स या फोर फादर्स में विंग्स प्रेजेंट थे, लेकिन इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि जिनकी एंसेस्ट्री विंग्ड रही है, लेकिन अभी फिलहाल वो नॉन विंग्ड है ना? जैसे पहले ह्यूमंस में भी लाइक नॉट ह्यूमंस बट लाइक मंकीज हैव द टेल एंड वी हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, सो वी डोंट हैव द टेल, है ना? तो इसी तरीके से इनके पास पहले विंग्स होते थे, अब नहीं होते हैं, तो इनको कहते हैं सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट. सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट आपका कौन सा है इनमें से? हेड लाउस. ठीक है, आपका ब्लिस्टर बिटल है, ये विंग्ड इंसेक्ट है, बिटल्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं. वहीं कोलम्बोला और सिल्वर फिश जो है ये प्राइमरी विंगलेस इंसेक्ट है, यानी कि इनमें विंग्स कभी प्रेजेंट ही नहीं थे, ना इनमें प्रेजेंट थे ना इनके फोर फादर्स में प्रेजेंट थे. लेकिन हेड लाउस एक ऐसा है जिसके फोर फादर्स में विंग्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब इसमें विंग्स प्रेजेंट नहीं है. सोचिए, अभी भी इसमें विंग्स प्रेजेंट होते तो ये आपके सर पे ऐसे 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 घूम रहे होते. तो वो जैसे कार्टून्स में आता है ना, उसको चक्कर आता है तो चिड़िया घूम रही होती है, ऐसे हेड लाउस घूम रही होती है ना. लेकिन इसके पास विंग्स नहीं है तो ये आपको पकड़नी पड़ती है अगर आपके सर में आ जाती है तो. ठीक है, तो ये है आपके हेड लाउस. हिंडगट ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो नोन एज. हिंडगट ऑफ इंसेक्ट को और किस नाम से जानते हैं? स्टोमोडियम के नाम से जानते हैं, प्रोटोक्डियम के नाम से जानते हैं, गिजार्ड के नाम से जानते हैं, या मेसेंट्रॉन के नाम से जानते हैं? स्टोमोडियम, प्रोटोक्टियम, गिजार्ड और मेसेंट्रॉन. हिंडगट को आप और किस नाम से जानते हैं? ए बी सी या फिर डी? स्टोमोडियम, प्रोटोक्डियम, गिजार्ड और मेसेंट्रॉन. यस, द आंसर इज प्रोटोक्डियम. भाई मैंने आप लोगों को टेक्निक भी बताई थी, फिर भी गलत आंसर. एचपी गैस या फिर हिमाचल प्रदेश, कुछ भी याद रख लीजिए. ठीक है, एचपी
एचपी मतलब हिंड गट को क्या कहते हैं, प्रोटॉक्टियम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉक्टियम कहते हैं। वहीं फोरगट को क्या कहते हैं, स्टमोडियम कहते हैं। फोरगट का दूसरा नाम क्या है, स्टमोडियम है। फोरगट को स्टमोडियम कहते हैं। गिजार्ड क्या होता है, व्हाट इज गिजार्ड, गिजार्ड बताइए मुझे, गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है बच्चों, गिजार्ड का फंक्शन बताइए फटाफट से मैम को। फॉर खाना तोड़ने के काम आता है, च्यूइंग करने के काम आता है, खाने के पार्टिकल्स को छोटा बनाने के काम आता है, ठीक है। तो गिजार्ड क्या करता है, च्यूइंग करता है, यानी कि आपके खाने को और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। अच्छा, मेसेंट्रॉन जो है ये आपके, व्हाट इज मेसेंट्रॉन, बर्ड्स का स्टमक नहीं बच्चे, आपके इंसेक्ट के स्टमक में ही गिजार्ड प्रेजेंट होता है। गिजार्ड आपके टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पार्टिकल्स को कम करने का काम करता है, उनको जो है छोटे पार्टिकल में तोड़ने को काम करता है। तो जो आपके टीथ का काम है वो आपका गिजार्ड कर रहा होता है, लाइक अ चक्की, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोटेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर विद अ प्यूपल इंस्टार इन इट्स लाइफ साइकिल। देखिए जनरली आपके एंडोटेरिगोट्स में प्यूपल स्टेट होती है, क्योंकि इनमें विंग्स अंदर डेवलप होते हैं, तो वो कोकून वकून जो बना लेता है अंदर, इसमें विंग्स डेवलप होते हैं, और जब ये बाहर निकलता है एडल्ट बन के निकलता है तो इसके पास ऑलरेडी विंग्स प्रेजेंट होते हैं। वही एक्सोटेरिगोट्स वो इंसेक्ट होते हैं जो जिनके विंग्स एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जनरली इनमें प्यूपल स्टेज नहीं देखी जाती है जनरली, लेकिन एक इंसेक्ट ऑर्डर ऐसा है जिसमें प्यूपल स्टेज होती है और वो एक्सोटेरिगोट्स में काउंट होता है। तो वो कौन सा ऑर्डर है, थाइसिनोयोरा है, हेटेरोप्टेरा है, ओडोंटा है, या फिर सेपिडोप्टेरा है। एक एक्सोप्टेरा का ऑर्डर जिसमें प्यूपल स्टेज होती है, लेकिन कौन सा है, उसमें विंग्स फिर भी एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, बताइए बी और डी। चलिए कंफ्यूजन चल रही है, आंसर क्या है, थाइसिनोप्टेरा। थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर में प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है, जबकि थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं ये आपके एक्सोप्टेरा में काउंट होते हैं, एक्सोटेरिगोट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए आपका आंसर होगा। अगला है द स्पाइडर्स टिक्स एंड माइट्स, है ना, स्पाइडर टिक्स एंड माइट्स। टिक्स क्या होते हैं, माइट्स क्या होते हैं, टिक्स यू मस्ट हैव सीन ऑन द डॉग्स और लाइक दैट, है ना, तो टिक्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइडर्स होते हैं जो आपके घरों में जाले बनाते हैं, है ना, तो ये टिक्स हैं, स्पाइडर्स हैं, माइट्स हैं। ये आर्थ्रोपोडा के किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा फाइलम, बट क्लास कौन सी है, पौरोपोडा है, यूनिमेरा है, अराकिनिडा है, डिप्टोपोडा है, इनमें से किस क्लास से आपके जो है माइट्स, स्पाइडर एंड टिक्स बिलोंग करते हैं। यस, अराकिनिडा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। किस से बिलोंग करते हैं, अराकिनिडा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो बच्चे आपके जो टिक्स हैं और स्पाइडर्स हैं ये आपके इंसेक्टा ऑर्डर में नहीं आते, ये इंसेक्ट में काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं। तो कई बार लोग इनको मिसकंसेप्ट भी कर जाते हैं ना, कि स्पाइडर है तो इंसेक्ट में काउंट होगा, स्पाइडर डज नॉट काउंट इन इंसेक्ट, ये आपके अराकिनिडा क्लास से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरीली विंग लेस इंसेक्ट इन विच विंग बर्ड्स नेवर डेवलप्स। ऐसे इंसेक्ट जिनमें विंग बर्ड्स कभी डेवलप ही नहीं होते, प्राइमरीली विंगलेस होते हैं, यानी कि विंग्स इनमें प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं, मेलोफेगा होते हैं, प्रोट्यूरा होते हैं, कॉकेट्स होते हैं, या कैटरपिलर्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरीली विंगलेस इंसेक्ट जिनमें विंग्स
प्रेजेंट नहीं होते, उनमें इवन विंग्स के बर्ड्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। बताइए फटाफट से, बी प्रोट्यूरा। यस, सो बी प्रोट्यूरा इज द राइट आंसर। प्रोट्यूरा में आपके क्या होंगे, विंग्स के बर्ड भी कभी डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। द प्रोबोस्किस इन द माउथ पार्ट्स ऑफ द बटरफ्लाई इज फॉर्म्ड फ्रॉम। प्रोबोस्किस इन द माउथ पार्ट ऑफ द बटरफ्लाई किस से बना हुआ होता है? आप लोगों ने बटरफ्लाई में देखा होगा, बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स में इस तरीके से गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। ये गोल से स्ट्रक्चर को ऐसे फोल्ड करके गोल गोल करके रखता है, लेकिन जब इसको फ्लावर से नेक्टर निकालना होता है, सेल सैप सक करना होता है, तो इसको ये हाथी के सूंड की तरह खोल कर लंबा करता है, फ्लावर के अंदर डालता है और उससे सैप या नेक्टर को जो है सक करता है। तो ये प्रोबोस्किस किस चीज से बना होता है? लेबियम से बना हुआ होता है, गेली ऑफ मैक्सिलरी से बना होता है, मैक्सिलरी पाल्प से बना होता है, या गेली ऑफ मैंडिबल से बना होता है। तो बच्चे ये आपका जो प्रोबोस्किस है ये गेलिया ऑफ मैक्सिलरी से बना होता है। बी विल बी द आंसर। ठीक है, जनरली जो बीक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, बीक लाइक स्ट्रक्चर रोस्ट्रम, ठीक है, बीक लाइक स्ट्रक्चर जिनमें रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, ये लेबियम की मॉडिफिकेशन होती है। लेकिन बटरफ्लाई के प्रोबोस्किस की मॉडिफिकेशन किसकी है? गेलिया ऑफ मैक्सिलरी की जो है मॉडिफिकेशन है। तो आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा। लोग ए और सी में खेल रहे हैं, राइट। द लास्ट सेगमेंट इन द एब्डोमेन ऑफ मेल कॉकरोच इन एडिशन ऑफ द सरसाई विल हैव अ पेयर ऑफ। जो आपकी लास्ट सेगमेंट है कॉकरोच की, उसमें एक पेयर जो है आपका सरसाई का प्रेजेंट होता है, दूसरा पेयर एक और चीज का प्रेजेंट होता है। वो एक और चीज क्या है? कॉडल फिलामेंट्स है, एनल स्टाइली है, क्लास्पर्स है, या फिर पैराप्रॉक्स है। तो इसमें क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, काउडल फिलामेंट्स। क्या होगा? काउडल फिलामेंट्स। तो काउडल फिलामेंट्स जो है आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के लास्ट सेगमेंट पर। एक तो एनल सरसाई प्रेजेंट होता है, दूसरा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस एक और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? काउडल फिलामेंट्स है। तो आंसर क्या है यहां पर? ए आपका आंसर है। साइंटिफिक नेम ऑफ शॉर्गम एफिड। शॉर्गम एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? मिलाना एफिस सेकराई है, हिस्टेरोन्यूरा सेटेरिया है, बोथ ए एंड बी है, या फिर ब्रिवेनिया रही है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शॉर्गम एफिड? शॉर्गम एफिड का साइंटिफिक नेम बताइए फटाफट से। शॉर्गम एफिड का साइंटिफिक नेम बताइए क्या है? मिलान एफिस सैकराई। मिलान एफिस सैकराई जो है आपके शॉर्गम का साइंटिफिक नेम है। आंसर क्या है? ए आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें यहां पर एफिस आ जाता है, तो ये एफिड का नाम है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पीछे सकराई आ रहा है तो ऑफकोर्स ये आपके शॉर्गम से रिलेटेड होगा। ठीक, वही कुछ लोग टेम्प्ट होंगे इस आंसर को टिक करने के लिए, जहां ऑल ऑफ द अबव दिख गया, ए एंड बी बोथ दिख गया, वही लगा दो। तो ये काम, ये गलती जो है आपको अपने पेपर में नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटोरियस पॉलीफेगस पेस्ट। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नोटोरियस और पॉलीफेगस पेस्ट है? नोटोरियस का मतलब है द वन हूज नॉन फॉर हिज और हर बैड हैबिट्स। जो पूरे विश्व में अपनी बुरी आदतों के लिए, अपने नेगेटिव बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, वो नोटोरियस होते हैं। पॉलीफेगस का मतलब है वो बहुत सारी क्रॉप्स पर फीड करते हैं, एक ही तरीके का खाना नहीं खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पर फीड करते हैं, यानी कि पॉलीफेगस है। तो कौन सा इनमें से इंसेक्ट है जो नोटोरियस है एंड पॉलीफेगस है? यस,
हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा क्योंकि ये बहुत सारे क्रॉप्स पर फीड करता है एंड बहुत ग्रेसली फीड करता है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पूरी पूरी लीव्स को खा जाता है फटाफट से। तो हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा इज द आंसर, ठीक है, सी जो है आपका आंसर होगा बच्चे। हाँ, इसी को पोड बोरर के नाम से जाना जाता है। द होल्स एट द बेस ऑफ शॉर्गम पेडंकल, शॉर्गम पेडंकल के बेस पर अगर आपको होल्स दिखाई देते हैं, छेद दिखाई देते हैं, तो आपको क्या लगता है किस इंसेक्ट ने इस पौधे पर अटैक किया होगा? काइलोपार्टेलस ने किया होगा, एथ्रिगोना सुकाटा ने किया होगा, कॉन्टारिनिया शॉर्गिकोला ने किया होगा, या कैलोकोरिस एंगुस्टा ने किया होगा? शॉर्गम पेडंकल के बेस पर अगर आपको छेद और होल्स दिखाई देते हैं तो इसमें आपका काइलोपार्टेलस का इन्फेस्टेशन हुआ होता है। किसका होता है? काइलोपार्टेलस का इन्फेस्टेशन होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस इज योर स्टेम बोरर इन द शॉर्गम, आपके शॉर्गम का स्टेम बोरर। तो स्टेम में बोर करने के लिए भैया इसको छेद तो करना पड़ेगा, तो स्टेम बोरर यानी कि काइलोपार्टेलस इज द आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ए होगा बच्चे। द लैडर शेप्ड स्क्रैपिंग ऑन द राइस लीव्स, राइस यानी कि चावल की पत्तियों पर या पैडी की पत्तियों पर सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे लैडर सिस्टम होता है उस तरीके से स्क्रैपिंग करता है। स्क्रैपिंग का मतलब होता है जैसे आप स्क्रैच कार्ड नहीं मिलते आपको, उसको ऐसे ऐसे आप स्क्रैच करते, तो ऐसे ये स्क्रैप करता है और उस टिश्यू को ढीला करता है, लूज करता है और फिर उस पर जो है फीड करता है, तो इसको स्क्रैपिंग कहते हैं। तो ये स्क्रैपिंग जो है सीडी की शेप में करता है, लैडर की शेप में करता है। तो ये कौन सा इंसेक्ट है? डेक्लाडिस्पा आर्मीजेरा है, सेनोफोलोक्रिस मेडिनेलिस है, निम्प्यूला डेक्टिक्लेटिस है, या फिर नन ऑफ द अबव? यस, द आंसर इज ए, डेक्लाडिस्पा आर्मीजेरा। इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में? राइस हिस्पा। राइस हिस्पा, राइस हिस्पा जो है आपका लैडर सिस्टम में स्क्रैपिंग करता है। जो इस तरीके के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सिम्टम शो करता है औरों से अलग सिम्टम शो करता है, वो सिम्टम अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये स्क्रैपिंग करता है एंड लैडर शेप में करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। द इंटेग्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ, इंसेक्ट की जो वॉल होती है उसको इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। इंसेक्ट की वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, या केवल क्यूटिकल एंड बेसमेंट प्रेजेंट होती है, या एपिडर्मिस एंड बेसमेंट होती है, या क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस होती है? इंसेक्ट की वॉल में कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है? चलो अच्छी बात है सुमिति, अगर करेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना? यस, ए विल बी द आंसर, क्यूटिकल एपिडर्मिस एंड बेसमेंट, तीनों लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। पहले बेसमेंट लेयर होती है, फिर एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो तीनों ही लेयर आपकी जो है इंसेक्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है। ए विल बी द आंसर। द वेक्टर ऑफ बंची टॉप डिजीज, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना का वेक्टर क्या है? Which of the insect does spread the bunchy top virus of banana? Nephrotactic virus है, Aphis crassivora है, Bemisia tabaci है, Pantilonia nigronervosa है। Which one of the following is the vector of bunchy top disease of banana? Yes, the answer is D, Pantilonia nigronervosa, Pantilonia nigronervosa. It is an aphid which spreads the bunchy top virus. तो क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर? D आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन D। Nephrotactic virus बताइए जरा,
ये किसको करता है, ये किसको स्प्रेड करता है? नेफोटेक्टिक्स, नेफोटेक्टिक्स किसको स्प्रेड करता है? नेफोटेक्टिक्स वायरस, राइस टंगरो डिजीज को, राइस टंगरो डिजीज इज स्प्रेड थ्रू नेफोटेक्टिक्स वायरस। नेफोटेक्टिक वायरस से राइस टंगरो डिजीज को स्प्रेड किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। कॉस्मोपोलाइट सॉर्सिडस एंड बनाना राइजोम विविल बिलोंग्स टू, बनाना राइजोम विविल किस फैमिली से बिलोंग करता है? पायरेलिडी फैमिली से करता है, कर्किलिनिडी फैमिली से करता है, थ्रिपिडी फैमिली से करता है या एफिडी फैमिली से करता है, बताइए जरा। राइजोम विविल किस फैमिली से बिलोंग करता है? पायरेलिडी, कर्किलिनिडी, थ्रिपिडी या फिर एफिडी? अब ये तो सभी बच्चों का करेक्ट होना चाहिए। वेरी बैड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, भूमिका ने सही जवाब दिया है, कर्किलिनिडी फैमिली बी। विविल्स हमेशा कर्किलिनिडी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, बी इज द आंसर। विविल हमेशा कर्किलिनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, याद रखेगा। जो भी बच्चे यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी आप भूल जाते हैं। सो गाइस, योर नबार्ड इज नियर। जो भी लोग नबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, 7 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म जरूर फिल कीजिए अंडर द कैटेगरी ऑफ द जनरलिस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट बच्चा एग्जाम भर सकता है। अब ग्रेजुएट बच्चा कोई भी एग्जाम भरे, आपको क्या फायदा है कि इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपका एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें आप स्कोर बेटर कर सकते हैं देन द अदर पीपल। तो फॉर्म जरूर फिल कीजिए, यू हैव एन डिसएडवांटेज, राइट। आप चाहे तो हमारे साथ बैचेस में भी जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ। क्लास के शुरू में मैंने आपको IBPS SO का बैच दिखाया था, जो IBPS SO को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आपके नाबार्ड के बैचेस भी अवेलेबल हैं, साथ ही साथ जो बच्चे मल्टीपल एग्जाम देते हैं वो एग्रीकल्चर महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज ऑस्पिशियस अगस्त चल रहा है, अगस्त जो है हमारा फेस्टिवल का सीजन है, तो यहाँ पर आपको सभी पर 80% ऑफ मिल रहा है। जनरली जब आप अपने टीचर का कोड यूज करते हैं तो आपको 77 या 75% का ऑफ मिलता है, लेकिन अभी आपको 80% का ऑफ मिलेगा आपके सभी बैचेस पर, चाहे नाबार्ड हो, AFO हो या फिर महापैक हो। साथ ही साथ जो आपका महापैक है, महापैक पर आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल के लिए मिल रहा था वो सेम पैसों में सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल के लिए मिलेगा। तो केवल 20% फीस पे करनी है, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी आपको मिल सकती है। लेट्स सी कैसे हम इस पर एनरोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल खोलेंगे, यहाँ पर टाइप कीजिए अड्डा और आपकी साइट जो है पहली आएगी, ये आपकी अड्डा की साइट इस तरीके से खुल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी साइट है एंड यहाँ देखिए, यहाँ आप एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं एंड व्यू ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करेंगे, तो सारे एग्रीकल्चर के जो आपके बैचेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। चाहे आपका नाबार्ड है, IBPS SO है, फूड सेफ्टी ऑफिसर आने वाला है ना, नाबार्ड ग्रेड ए मेरिट सिलेक्शन है, जो केवल जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको पढ़ना चाहें वो मेरिट सिलेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं, जिनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो जनरलिस्ट में ले सकते हैं। सेम वे IBPS SO है, यहाँ पर ही IBPS SO आप देख रहे हैं, इसमें प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी करवाई जाएंगी। दूसरा आपका IBPS SO है, ब्लू कलर का है, वो आपको केवल मेंस यानी कि एग्रीकल्चर वहां पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आज 80% ऑफ के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। तो इसमें ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारी आपकी क्लासेस मिलती हैं, चाहे आपकी आज जो बैचेस चल रहे हैं वो भी और जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो भी। कोड का क्या इस्तेमाल करना है, Y448। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आपको विंडो मिलती है, विंडो में यहाँ पर आपको कूपन कोड डालना होता है, कूपन कोड में आपने लिखना है Y448A। जैसे ही Y448A करके अप्लाई करेंगे इसका प्राइस कम हो जाएगा। सो गाइज, आपको जो है इस पर क्या मिलेगा, आपको
80% की ऑफ मिलेगी, साथ ही साथ इस पर डबल वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑफर जो है आज दोपहर तक ही है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो यू कैन सी टू इट इफ यू वांट टू एनरोल इन द बैचेस, ठीक है। चलिए लेट्स मूव एंड से गुड बाय टू ईच अदर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माई साइड।